नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल साथ कवर करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021। दोस्तों, इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक बस होने ही वाला है, 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, जितना क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, तो वीडियो को आप केयरफुली देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, पिछले ओलंपिक 2008 में कहाँ पर हुआ था, तो ये बीजिंग में हुआ था, चाइना में हुआ था। इसके बाद 2012 होता है, जो ओलंपिक होते हैं उसमें सब चार चार साल के गैप पे होते हैं। कितने? चार चार साल के गैप पे होते हैं। 2008 हुआ है तो 2012 होगा, फिर 2016 होगा, फिर 2020 होगा। ओके, तो दोस्तों देखिए, बीजिंग ओलंपिक हुआ 2008 में, लंदन ओलंपिक हुआ 2012 में, और रियो ओलंपिक हुआ 2016 में, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन पेंडेमिक आ गया, महामारी आ गया, कोरोना महामारी आ गया, इस वजह से 2020 में ना होकर 2021 में आयोजित हो रहा है। और दोस्तों, 2021 में कब आयोजित हो रहा है, तो ये हो रहा है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में आयोजित हो रहा है। यह आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो कहाँ पर है, तो टोक्यो जापान में है, ये भी आपको याद रखना है। जो टोक्यो है ये जापान में है। और दोस्तों, जो अगला होगा ये कब होगा, तो ये होगा 2024 में। जो अगला होगा आपका ये 2024 में होगा, और कहाँ होगा, तो ये फ्रांस में होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2021 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो ओलंपिक की मेजबानी 2021 में कौन कर रहा है, तो ये जापान कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है, जापान। जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोटो क्या है इसका। तो राइट आंसर इसका, यूनाइटेड बाई इमोशन। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है, यूनाइटेड बाई इमोशन। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो है, यूनाइटेड बाई इमोशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा जी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है, नरेंद्र बत्रा जी। और दोस्तों, इनको दोबारा बनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों, इस बार यह कौन सा संस्करण है, तो 32वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 32वां। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। इसके पहले देखें तो 31वां संस्करण रियो ओलंपिक हुआ था। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ील में है। कहाँ पर? ब्राज़ील में, ये आपको याद रखना है। और 33वां कहाँ पर होगा, जो 33वां होगा ये कहाँ पर होगा, तो ये पेरिस में होगा, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका 33वां होगा ये पेरिस में होगा। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हाल ही में IOC ने किस प्रकार के डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी हाल ही में ब्रेक डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दे दिया है। किसको? ब्रेक डांस को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन बनी है। तो ये पहली महिला बन गई हैं, कौन? तो नेरथा कुमानन। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। ओलंपिक में शामिल होने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, नेरथा कुमानन।
और ये भारतीय हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को और मिशेल ली को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। और दोस्तों पीवी सिंधु ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन हैं वर्तमान में, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक प्रमुख पद से इस्तीफा दिया? तो ये किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योशिरी मोरी। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हासिमेटो सेको। ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष हासिमेटो सेको को बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोबारा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये कौन बनाए गए हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बाख। और दोस्तों ये 2013 से ही हैं, ये कब से हैं? तो 2013 से ही हैं, 2013 से ही पद पर हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाली एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? ये बने हैं अशोक कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। IOC ने टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया है? ये किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MPL। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है मनप्रीत सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है, मनप्रीत सिंह जी को बनाया गया है। ये पहले भी थे। अच्छा, महिला हॉकी टीम के कौन हैं? तो ये हैं रानी रामपाल। कौन हैं? ये हैं रानी रामपाल, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? ये हैं रानी रामपाल, आप याद रखिएगा नाम इनका। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं लॉरेल हबर्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है, लॉरेल हबर्ड। और दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं और वेट लिफ्टर हैं, आपको याद रखना है, ये न्यूजीलैंड के हैं और ये वेट लिफ्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। भारत का अधिकारी ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया है? ये चुना गया है लक्ष्य है तेरे सामने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है, लक्ष्य है तेरे सामने। अब देखिए इसको गाया किसने? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मोहित चौहान ने गाया है। कौन गाया है? मोहित चौहान ने गाया इसको, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं कौन? ये बनी हैं आदिति अशोक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? देखिए इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब ओलंपिक में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग ध्वजवाहक भारत के तरफ से जा रहे हैं। महिला के लिए मैरी काम होंगी, महिला के लिए कौन होंगी? मैरी काम, और पुरुष के लिए मनप्रीत सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों, मनप्रीत सिंह और मैरी काम। और दोस्तों महिलाओं के लिए मैरी काम होंगी और ये मणिपुर की हैं। जो मैरी कॉम हैं ये कहाँ की हैं? तो ये हैं मणिपुर की, ये आपको याद रखना है। जो मैरी कॉम हैं ये मणिपुर की हैं और ये 6 बार, कितने बार? ये 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन हैं। और जो मनप्रीत सिंह हैं
ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ये जो मनप्रीत सिंह हैं ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूडोर कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? ये बने हैं पवन सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड विजेताओं को कितना धनराशि देने की घोषणा की? जो गोल्ड लाएगा उसे 6 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। कितना? जो गोल्ड लाएगा उसे 6 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी सिल्वर जीतता है तो उसको 4 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ओके, अगर कोई खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीतता है और वो ओलंपिक में गया है तो उसे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। COVID-19 महामारी के कारण कहाँ पर होने वाली ओलंपिक मशाल रिले को रद्द किया? तो ये जापान में आयोजित होने वाला था। कहाँ पे? जापान में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है, ये जापान में आयोजित होने वाला था, लेकिन COVID-19 महामारी को देखते हुए इसे कैंसिल कर दिया गया इस बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दीपक काबरा। कौन बन गए हैं? दीपक काबरा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है, ये ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बन गए हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक रायल पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा मोहम्मद यूनुस को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है, और ये बांग्लादेश के हैं। ये कहाँ के हैं? जो मोहम्मद यूनुस हैं ये बांग्लादेश के हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। हाल ही में किस देश पर टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने धनराशि देने की घोषणा की? तो तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि अगर टोक्यो ओलंपिक में तमिलनाडु राज्य के कोई खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो उसे जो गोल्ड लाएगा तो उसको मिलेगा 3 करोड़। जो गोल्ड लाएगा तो उसे मिलेगा कितना? 3 करोड़ रुपये। और जो सिल्वर मेडल जीतेगा तो उसको मिलेगा 2 करोड़। अगर कोई खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे मिलेंगे कितने? 2 करोड़ रुपये। अगर कोई ब्रांज मेडल जीतता है तो उसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपये। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक को पूरे डिटेल में पढ़ लिए हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।